15 नवंबर को सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला में मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के मौके पर शिक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें 9वीं और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को इनके जीवन से परिचय करवाया गया। CBSE ने उनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मान्यता दी है, क्योंकि आज़ादी के बाद वह पहले शिक्षा मंत्री बने और इन्होंने देश की शिक्षा पद्धति को सुधारने का कार्य किया। विद्यार्थियों ने इस मौके पर स्लोगन राइटिंग और एसे राइटिंग गतिविधि में भाग लिया। सर्वोत्तम कृतियों और निबंध लिखने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ साथ शनिवार को कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के बीच सदन अनुसार गणित विषय पर प्रश्न मंच प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई सदन पहले, स्वामी विवेकानंद और गुरुजी सदन दूसरे और माता गुजरी सदन तीसरे स्थान पर रहा। स्कूल के प्रिंसिपल प्रेम सिंह खिमटा जी ने विजेता बच्चों को बधाई देते हुए इस तरह की गतिविधियों में दूसरे बच्चों को भी बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए प्रेरित किया। बच्चों, आज हमारा यहाँ पर एकत्रित होने का जो मुख्य विषय है वो है कौमी एकता सप्ताह, जिसका मतलब राष्ट्र की एकता या देश की एकता है, जिसकी सबसे बड़ी उदाहरण हमारा स्वयं का अपना देश भारत देश है, जो कि विविधता में एकता या अनेकता में एकता की बात करता है। 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच स्कूल में कौमी एकता सप्ताह मनाया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालय में अलग अलग कार्यक्रम किए गए। 19 नवंबर को कौमी एकता दिन मनाया गया। 21 नवंबर को वीर रस पर आधारित कवि सम्मेलन करवाया गया, जिसमें कक्षा 5वीं से 8वीं तक के छात्रों ने भाग लिया और वीर रस पर आधारित कविताएं प्रस्तुत की। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। इसके पश्चात 22 नवंबर को कमजोर वर्ग दिवस मनाया गया, जिसमें विद्यालय में कार्यरत ड्राइवर, कंडक्टर और क्लास 4 के कर्मचारियों को उनके अधिकारों से अवगत करवाया गया और उनके विकास के लिए प्रधानमंत्री योजनाओं और अन्य योजनाओं के बारे में बताया गया। 25 नवंबर को सांस्कृतिक एकता दिवस मनाया गया, जिसमें छात्रों ने मॉर्निंग असेंबली में नृत्य प्रस्तुत किया और अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम पेश किए। अगले दिन 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने कंजर्वेशन डे मनाते हुए पोस्टर बनाए और स्लोगन लिखे। इसके साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग बच्चों द्वारा भाषण के रूप में अपने अपने विचार पेश किए और पर्यावरण को भविष्य के लिए बचाने के लिए प्रेरित किया। Continuously increasing human population adversely affects the forests. Human beings are cutting forests to a great environment is equal to our mother. It is our duty to protect the environment. But today our mother, that is our environment, is in dangerous situation. This environment is in such a situation because of us. Deforestation, mining, using vehicles.